India may have started a little late, but I want to assure all of you, we will finish first by rolling out 5G services across the length and breadth of India. Well, this was a big announcement from Mukesh Ambani at the India Mobile Congress, जहां 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च की गई। 5G सर्विसेज आर ऑलरेडी अवेलेबल इन मोर देन 70 कंट्रीज एज ऑफ नाउ और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। At the launch event on October 1st, Airtel announced its 5G Plus for 8 major cities: Delhi, Varanasi, Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Nagpur, Chennai और Siliguri. पर Reliance Jio भी इस मामले में पीछे नहीं है. Jio 5G is already in beta testing और जल्द ही around this Diwali 4 major cities: Delhi, Mumbai, Kolkata और Chennai में Reliance Jio अपनी 5G services स्टार्ट करेगा, पर ये सर्विसेज एकदम से सभी के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। जैसे जैसे नेसेसरी सेटअप कंस्ट्रक्ट होता जाएगा, वैसे वैसे 5G नेटवर्क की रीच भी बढ़ती जाएगी। सो इट विल बी रोल्ड आउट इन अ फेज्ड मैनर एंड दिस विल टेक टाइम। पर अच्छी बात ये है कि आप अपनी 4G सिम पर ही 5G सर्विसेज को एक्टिवेट कर पाएंगे, बट एंश्योर दैट कि आपका 5G स्मार्टफोन ऑफर्ड सभी बैंड्स को सपोर्ट करता हो फॉर द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। बट हियर इज अ क्वेश्चन, 5G इन इंडिया, हाउ बिग इट इज और किस तरह ये हमारी डे टू डे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? क्या नई टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलेंगी और किन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को ये नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है? लेट्स फाइंड आउट। जब भारत में 4G लॉन्च हुआ था, इट चेंज सिग्निफिकेंटली द वे वी कम्युनिकेट। हमारी डाटा कंजम्पशन तो बढ़ी ही, बट इट ओपन द गेट्स ऑफ ग्रोथ इन मल्टीपल डायमेंशन सच एज ई कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा, एंड सून इट बिकेम द बैकबोन ऑफ डिजिटल इंडिया। जहाँ 4G was a kind of an upgrade onto 3G, 5G on the other hand is totally different at the very core level. 4G network पर cities में 15 से 25 Mbps की speed आसानी से मिल जाती है, वही आपको 5G network पर 200 से 300 Mbps तक की average speed देखने को मिल जाएंगी। With the connectivity this better, 5G can be used for heavy data streaming. और आप अपने स्मार्टफोन पर ही क्लाउड गेमिंग की मदद से इवन कंसोल गेम्स जैसी हाई डेफिनेशन और हाई ग्राफिक्स गेम्स भी खेल पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, 5G नेटवर्क को भारत में लॉन्च करना एक बड़ा स्टेप है। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज में लाने की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैं एक सेपरेट सी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एलेक्सा, मैं लिफ्ट में लड़कियों को कैसे पटाऊं? अबे चमगादड़, ऐसी गंदी शक्ल लेकर लड़की पटाने की बात कर रहा है? क्या मतलब मेरी शक्ल गंदी है? अलेक्सा, गूगल नेस्ट जैसे स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट लाइट्स से तो आप फैमिलियर ही हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। पर अब कई और डिवाइसेज और इक्विपमेंट्स आपको इंटरनेट से कनेक्टेड देखने को मिलेंगी। आपकी कार्स, थर्मोस्टेट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, रेफ्रिजरेटर्स, इवन आपके शूज तक इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे। और ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया चाहते हैं, तो यू कैन गो टू अ लिंक अबव इन दिस कार्ड। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी 5G कनेक्टिविटी से एनहांस होंगी। वीडियो कंसल्टेशंस, मेडिकल डाटा असेसमेंट एंड ट्रांसमिशंस, रिमोट सर्जरीज, पैरामेडिक फैसिलिटीज इन द एम्बुलेंसेस, दे ऑल कैन बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल। 5G टेक्नोलॉजी में काफी पोटेंशियल है, वी ऑल कैन एग्री। बट अब जरा एक छोटा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात, 5G नेटवर्क की जो रेंज होती है वो काफी कम होती है इन कंपैरिजन टू द 4G नेटवर्क, एंड दैट इज द रीजन व्हाई काफी ज्यादा छोटे छोटे टॉवर्स इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ 5G इंस्टेड ऑफ जस्ट वन बिग टॉवर एज इन केस ऑफ 4G। बट वी कैन स्टे पॉजिटिव एंड एक्सपेक्ट 50% ऑफ कवरेज ओवर द कंट्री इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। नाउ इंडिया में 5G ऑलरेडी काफी लेट शुरू हुआ है, एंड इन द लॉन्च इवेंट इटसेल्फ टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 6G टेक्नोलॉजी में लीड लेने की भी बात की है। So, इतने कम समय में भारत में इतने ज्यादा टॉवर्स क्या इंस्टॉल किए जा सकेंगे? एंड दिस इज अ बिग फैक्टर फॉर डिसाइडिंग हाउ एफिशिएंटली द 5G नेटवर्क कवरेज विल कम टू इंडिया। एंड वी होप इट्स परफॉर्मेंस इन द रियल वर्ल्ड कीप्स अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ 5G। सो दिस वाज इट अबाउट द वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। Before we leave, we would like to add कि 5G plans के prices की अभी कोई announcement नहीं हुई है, और अगर आप इसके बारे में भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो please comment below and we will let you know as soon as it's updated. वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। This is Deepak. This is Shivani signing off for now. Don't forget to subscribe and thanks for watching.